अभी सुने ना, तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लो। आखिरकार सारी जिंदगी का सवाल है, आखिर होने वाले जीवन साथी हो, अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में सब पता होना चाहिए ना। मेरा मतलब है लड़का और लड़की, इन दोनों को एक दूसरे की पसंद नापसंद ये सब कुछ पता होना चाहिए ना। अब हम लोग तो बहुत खुश है ये रिश्ता जोड़ने से, बहुत ही प्यारी जोड़ी है। भगवान ना करे कभी तुझे पता चले कि अबीर भी इन उलझनों में भटकता भटकता बहुत आगे बढ़ गया है ना, तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्योंकि क्या क्योंकि अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं और भी दे दूंगा। ये बात याद रखना, तुम्हारे और अभी में ना तो कोई रिश्ता था और ना ही आगे कोई रिश्ता होना चाहिए। जीत रहा। शायद यही है वो मान सम्मान और पहचान जो आपको एक पिता के होने से मिलता है। जो लोग आपको जानते तक नहीं हैं, वो भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। जब आपके नाम के आगे पिता का नाम जुड़ जाता है। अरे सुदीप तो बाबू, लड़का लड़की को थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए, आइए हम आपको पंडाल दिखाते हैं। आइए चलिए चलिए। देख रही हो मुन्नू बाबा कैसे सुदीप तो बाबू के आगे झुक रहे हैं। ए, कौशिक जी सुबह से उपवास करके ना मुझे अब हर जगह पर स्वादिष्ट खाना ही दिख रहा है ना। सबसे पहले पूछ के खाऊंगी। अरे हाँ तुम ये कर लो पहले, ये जरूरी है ना। पूछ के खाऊंगी। मैं तो चाह रहा था कि अबीर का सोना गाची आना जाना लगा रहे, और ये बाबा लोग तो इसका रिश्ता करवाने के पीछे पड़ गए हैं। सोचने की बात ये है कि आखिर अबीर सोना गाची मिलने जाता किससे था। मैं क्या बताऊं, कुछ भी आपकी पसंद नापसंद। वैसे आप पोइट्री लिखते हैं ना, कोई पोयम ही सुना दीजिए। यहाँ ऐसे कैसे। ओके ओके, वैसे अबीर आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। चल चप्पू, आज तुझे अमीरों की पूजा दिखाती हूँ। दीदुन ये पंडाल तो बिल्कुल महल जैसा लग रहा है मुझे। मैम पासेस प्लीज। दे प्लीज। सॉरी मैम, इस पास से सिर्फ एक ही अंदर जा सकता है। तुझे दो दिए थे ना, देना फिर। हाँ दीदुन, अब एक पास मुझे लग रहा है कमरे में रह गया। कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ। भैया एक ही पास है हमारे पास, जाने दो हमें। चल दीदुन। मैम एक पास पे सिर्फ एक ही एंट्री है स्ट्रिक्टली। नहीं रखे ना पास संभाल के, अब खड़ी रही यहीं पे। दीदुन जाने दो ना। मैम नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं है, ये निर्जाई है। और निर्जाई आंख कैसे।
क्या हुआ? किसी को ढूंढ रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा, छलावा है या मन का भ्रम, पता नहीं। क्या? Actually, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, I'm so sorry. अभी अरे बाबा, ये पंडाल भी बागचियों का है। वाह, ये बिजोय बागची अमीर आदमी है, ये तो मुझे पता था, इतना अमीर ये नहीं पता था। बड़े सस्ते में जाने दिया इसके लड़के को तुमने, दी तुम आई। मैंने भी काफी सुना उसके बारे में बिजनेस सर्कल्स में। ये भी सुना है कि उसके पहले कोई शादी होने वाली थी। जी जी जी, रिशा से होने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली शादी से पहले ही एक एक्सीडेंट में उसने उसको खो दिया। बेचारा अबीर तो उसकी याद में मजनू सा ही हो गया था। हाँ, हमें तो लगा था कि उसे सीधा मेंटल असाइलम में भेजना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो हम ही उसकी उदासी का गलत मतलब निकाल बैठे थे। अबीर बिल्कुल ठीक है, अब नारा तो देख लेनी ना। जी, बल्कि अबीर का इस तरह त्रिशा को लेकर डिस्टर्ब होना इस बात का सबूत है कि अबीर जिससे भी प्यार करता है वो उसे अपनी दुनिया बना देता है। मेरा अभी जिसका भी जीवन साथी बनेगा ना, उसे बहुत प्यार करने वाला हस्बैंड मिलेगा। वो कहते ना, भगवान ऊपर से जुड़िया बनाकर भेजते हैं, इसलिए अबीर का त्रिशा के साथ किसी और के साथ भी बना लिखा है। शक्ति एकदम शक्ति बिजोय बाबू। पर भगवान भी बेचारे क्या करें, वो तो जोड़ियां बना देते हैं, लेकिन हमारे धरती पे शैतान है, शैतान वो उन जोड़ियों को मिलने नहीं देते ना। भीड़ में ना जाने दे, तुम कहाँ चली गई, कहाँ ढूंढूं मैं उसे। अरे बेटा, तुम ये प्रसाद बांट दोगी, मेरे हाथ थक गए हैं। जी, लेकिन इतनी रात को प्रसाद? आज सौष्टी है ना, तो बागची परिवार की तरफ से खास प्रसाद बनवाया गया है उन लोगों के लिए जिनका आज उपवास है, ताकि वो इसे खाके अपना उपवास तोड़ सके। आपको पता है ना, यहाँ सिर्फ एक्सक्लूसिव पास वाले आ सकते हैं। और कितना पास चाहता है तुम मुझे? किस पास की बात कर रहे हैं ना? है मेरे पास, और चाहिए तो बताना वो क्या है ना। आपसे भी कहीं ज्यादा अमीरों के साथ उतना बैठना है मेरा। असली त्रिशा के बारे में तो हमने बता दिया इनको, बस अब नकली त्रिशा के बारे में ये बता दें तो ऐसा लगेगा जैसे मेरा फेवरेट प्रोडक्ट ऑनलाइन शॉपिंग के डिस्काउंट में नहीं, फ्री में मिल गया। अकेली आई हैं? मेरा मतलब है, अब जब आ ही गई हैं तो दर्शन कर लीजिए, वरना भीड़ बढ़ जाएगी। चाहिए हो गए दर्शन।
देवी माँ के भी और इनके क्या बिजोए? हाँ नया संबंधी ढूंढने लगे आप तो। पता नहीं जब भी कोई धमाका करना होता है ना तो पिशी माँ कहीं गायब हो जाती है। मैं आपको बता दूं, ये व्यापारी चाहे जैसे भी हो समझे बड़े अच्छे हैं। आप कौन और आप कैसे जानते हैं इन्हें? बिजोई को देखकर मैं सब भूल ही जाती हूँ। मेरा परिचय है तो मैं अनाथ आश्रम चलाते हैं, ये अनाथ आश्रम है इनका। अरे हम तो भूले गए, प्रोग्राम के लिए देर हो रही है ना, आज क्लासिकल म्यूजिक नाइट रखा है, आप लोग जाइए ना वरना अच्छी सीट सब भर जाएंगी। हाँ बिल्कुल जाइए जाइए। आइए वो क्या है कि इनके अनाथ आश्रम को एक बार दान दिया था, अब ये बार 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 धनुषिंग से परेशान करती रहती है। देतुन, मेरे बेटे और मेरे परिवार पर अपनी बुरी नजर मत डाल, वरना एक माँ को दुर्गा से चंडी बनने में वक्त नहीं लगता। आंखें नीचे कर, धंधे वाली हूँ मैं। तुझे पता है धंधे वालियों की खासियत क्या होती है? ये ऐसा अपने प्रचार के लिए ये सब नहीं लगाते हैं। हमारे ग्राहक खुद चलकर हमारे दरवाजे तक आते हैं, जैसे तेरा पति आया, तेरा बेटा भी आया रे। इसलिए ये रुबाब ना तू उनको दिखा, वो डर जाएंगे। ये जो तेरे सामने खड़ी है, The name is Vidun, किसी के बाप से नहीं डरती मैं। तुम प्रसाद बांट रही हो? क्यों, मेरे छूने से प्रसाद गंदा हो जाएगा? बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा, बहुत गंदा, क्योंकि तुम जैसी लड़की। ये क्या तरीका एक लड़की से बात करने का, और इनके छूने से प्रसाद खराब हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इनके जैसी लड़की। इन जैसी लड़कियों से ऐसी बात की जाती है, और तुम भी इसकी परछाई से दूर रहो, तुम्हारी अच्छाई पर भी ग्रहण लग जाएगा। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मुझे कैसा जीवन साथी चाहिए, मैं बताता हूं कैसा जीवन साथी चाहिए, जो झूठ ना बोलता हो, जो धोखा ना देता हो, जो पैसे का लालची ना हो, जिसके अंदर शर्म हो, जो बेशर्म ना हो। और इसमें ये सब चीजें एक भी नहीं है, ऐसा जीवन साथी चाहिए। सही कह रहे हैं ये, मेरे छूने से ना सब कुछ गंदा हो जाता है, जैसे इनका दिमाग। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? पहले नहीं जानती थी, लेकिन मेरी बदकिस्मती से अब अच्छी तरह जानती हूँ। बदकिस्मती से? हाँ बदकिस्मती से। जिस दिन आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जो ना आपको सुने ना आपको समझे और हर वक्त आपको अपनी नजरों से तोले, ना आप पर यकीन करे, तो उससे ज्यादा बदकिस्मत दिन और क्या हो सकता है। और रही बात इस प्रसाद की, तो दुर्गा माँ की मर्जी के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो अगर उन्होंने ही मेरे हाथ में ये थाल सौंप दी है तो आप कौन होते हैं सवाल करने वाले? या इतने बड़े हो गए हैं आप कि इंसानों में भेदभाव करने के साथ साथ
भगवान के प्रसाद में भी भेदभाव करने लगे। आपके वीवीआईपी पास। ये तो वही आदमी है जो पास लेके आया था। दादा भाई ने भेजा है। बहुत ही खास मिशन है आपके लिए। आज से 4 दिन बाद विजयादशमी पे जब सारा पुलिस फोर्स विसर्जन की व्यवस्था में व्यस्त होंगे, दादा भाई ने कहा है कि हमारा मिशन उसी दिन पूरा होगा। मिशन क्या है? वो तो दादा भाई तय कर चुके हैं और उन्होंने कहा है, जाने दीजिए मुझे अबीर, मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है। नहीं, पहले मेरे सवालों के जवाब दो। नहीं, मुझे आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना है, मुझे जाने दीजिए अबीर। जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। कब जज किया तुम्हें? कब तुम्हारा साथ नहीं दिया और कब तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की मैंने? जवाब दो अबीर। आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मेरी सारी परेशानियां दूर करेंगे, लेकिन देखिए आप मेरे लिए खुद एक सबसे बड़ी परेशानी बन गए हैं। हाँ, तुम्हारी परेशानी तो मैं ही हूँ। तुम्हें पता प्यार किससे है? तुम्हें प्यार है सिर्फ पैसे से। पैसों के लिए तुम मुझसे मिलने आई, पैसों के लिए तुम नाच रही थी, पैसों के लिए उस शेख से तुम निकाह करने जा रही थी, सिर्फ पैसे। बेचारी और ये विक्टिम होने का नाटक बंद करो। गलत हुआ है, मेरे साथ हुआ है। धोखा हुआ है तो वो मेरे साथ हुआ है, तुम्हारे साथ नहीं। कितनी कमाल की बात है ना अबीर, जिनके लिए हम अपनी सारी खुशियां भूल गए, वही हमें धोखेबाज का तमगा देकर भूल गए। कोई बात नहीं, जब आपने, बल्कि सिर्फ आपने ही क्यों, आपके परिवार ने भी ये तय कर लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी नफरत के काबिल हूँ, तो ठीक है ना? मुझे मंजूर है आपकी नफरत, ले लेती हूँ मैं सारे इल्जाम अपने सर पर। शायद ये बहाना काफी होगा आपके लिए मुझे छोड़कर जाने के लिए। नहीं पता कर पाए कि क्या मिशन है दिदुन का। दूसरी बार शेफाली मैडम ने जो काम दिया था उसमें फेल हो गई हूँ मैं। अब माँ को जेल से कैसे निकलवाऊंगी?